पहले कीजिए, आप हमेशा मोदी को नकारते हैं। ये गंगा मैया पे टैक्स लगा 18%, ये टैक्स आपको ड्रामा है। तकदीर के पन्ने खाली हैं, भरे हैं हाथ लकीरों से। माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, बेटे ने माँ पे टैक्स लगाया है। ये कैसे देश के प्रधान सेवक हैं? हमें तो हैरान होगी कि 18% टैक्स, 18 माँ गंगा पे। आज भी अगर एक दिन पानी ना पियो तो आप खत्म हैं। तो माँ से इस पानी से टैक्स लोगे हैं आप? ये जीवन धारा है। अरे पानी ना हो, गंगा मैया ना, तो जीवित नहीं रह सकते आप। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगन टीवी देख रहे हैं आप, और जिस तरीके से गंगा जल के ऊपर जो है, स्वस्थ गंगा जल के ऊपर जिस तरीके से टैक्स जो है वो लगा, और अगर टैक्स की जो है बात की जाए, 18% टैक्स जो है वो उसके ऊपर लगा दिया है, उसी के अवज में कांग्रेसी नेता अरुण मलिक जी जो हैं आज धरने पे बैठ गए हैं भैया। और धरना देखिए ऐसा है कि माँ गंगा ने बुलाया है, बेटे ने माँ पे 18% टैक्स लगाया है। अब तमाम जो क्या इनके मुद्दे हैं, क्या बातें हैं, उनसे बात करते हैं कि क्यों जो है वो इतना विरोध कर रहे हैं। अक्सर मोदी की नीतियों का लगातार विरोध किया जाता है, लेकिन क्यों किया जा रहा है? माँ गंगा मैया की जय हो, माँ गंगा मैया की जय हो, माँ गंगा मैया की जय हो। जब चुनाव लड़े थे मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो कितना जोर शोर से पूरे मीडिया को बुलाया था, कहा था ऐसे, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं सेवा करूँगा, मेरा सौभाग्य है, मैं माँ गंगा की सेवा करूँगा, वहाँ के लोगों की सेवा करूँगा। अरे मोदी जी, ये क्या किया आपने? बहुत बड़ी आपने भूल कर दी। ये गंगा मैया, अरे गंगा मैया ने सबको समाना है, हमने गंगा मैया में ही जाना है। चाहे जीवन में हम चले जाते हैं, हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, वो जीवन समाप्त होने के बाद जो हमारे फूल हैं, जिसको हम फूल बोलते हैं, वो हमारे गंगा मैया ने ही लेने हैं, वो गंगा मैया ने ही हमें पनाह देनी है। तो आप एक बेटे क्या, तो माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, अरे बेटे ने माँ पे टैक्स लगाया है। माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, बेटे ने माँ पे टैक्स लगाया है, इससे शर्म की बात और क्या है? हम गंगा मैया अपनी माँ से टैक्स ले रहे हैं, माँ से टैक्स, कितने शर्म की बात है। ये गंगा मैया सबको करती है, सबको पवित्र करती है, मन को शांति देने वाली है गंगा मैया, हर किसी को ठंडक दे। कोई क्रोधित भी हो तो माँ गंगा इसको शांत करती है। भगवान शिव ने ऐसे थोड़ी जटायुओं में अपनी गंगा को कर लिया था, वो गंगा को समा लिया, भगवान शिव ने गंगा को समा लिया अपने जटाओं में। लेकिन ये कैसे देश के प्रधान सेवक हैं? हमें तो हैरान होगी कि 18% टैक्स, 18 माँ गंगा पे कफन पे टैक्स। मैं इसका बहुत विरोध करता हूँ। अरे हम तो मर जाएंगे, जो कफन है, कफन खरीदने जाएंगे, उस पर आप टैक्स लोगे? मरे हुए व्यक्ति पे टैक्स लोगे? जो जीवन देती है, जिसके व्यापक हम जीवन जीते हैं, उस पर टैक्स लोगे? बड़े शर्म की बात तो है। करोड़ों का खर्च किया गया है माँ गंगा की सफाई में, खर्चा भी तो करोड़ों का किया गया, और ये GST जो लिया जा रहा है, ये उन्हीं पर न्यौछावर होगा क्या? माँ गंगा अभी तक साफ हुई, स्वच्छ हुई? आप मुझे बताओ, काम चल रहा है? आप काम देखिए, झूठी बात मत बोली मेरे सामने, झूठी बात मत बोली। आप मुझे बताइए गंगा साफ हुई या नहीं? 24 में जिताइए गंगा साफ पाई है। आप मुझे बताइए, मैं आपने जो सवाल किया, मैं आपका जवाब पूछना चाहता हूँ आपसे ही। गंगा आपने साफ देखी? गंगा का आ रहा है जो हरिद्वार से आ रहा है, कलिंदी से आ रहा है, सर देश हित में है मलिक साहब। देखिए देश हित में है, ये देश हित में है। 130 करोड़ लोगों की भावनाओं में, भावनाओं को ठेस पहुंची 130 लोगों को, कि एक देश का प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी आयोजन करते हैं, तपस्वी बनते हैं अपने आप को, जो कहते हैं मैंने तपस्या करी 90 दिन तक, मैंने तपस्या करी गरुड़ गुफा में, तपस्या करी। मैंने वो गुफा तो नहीं देखी, ना मैंने देखा कि उन्होंने तपस्या करी या ना करी। वो व्यक्ति ये कहे माँ गंगा, गंगा तो गऊ से निकलती है, गऊ के मुँह से ही निकलती है गंगा, वहाँ गौमुख से गंगा निकलती है, वहाँ से चलती गंगा कहाँ तक जाती है, कितनी धाराएँ हैं, सरस्वती, ये सारी गंगाएं। अच्छा आप ये बताइए, आप चाहते हैं ना गंगा साफ, हाँ या ना?
गंगा साफ चाहते हैं आप? बिल्कुल गंगा तो साफ, खर्चा नहीं करना चाहते गंग... ऐसा है, गंगा को पैसे की जरूरत नहीं है, गंगा वैसे ही साफ है, गंगा वैसे ही पवित्र है, गंगा वैसे ही पवित्र है, गंगा मैली नहीं है। ये घोंसला मत करें कि गंगा को साफ कर रहे हैं, ये घोंसला मत करें, ये गंगा स्वा, आपने कहा ना गंगा स्वा, आप उल्टी बात क्यों करते हैं, आप सीधी बात करिए, आप सीधी बात करिए। हाँ जी, 250 ml के लिए 35 rupees ही तो दे रहे हैं भैया, किसके क्यों दे 35 rupees, गंगा पैसे माँ से पैसे लोगे, पैसे खर्च होते हैं, पैसे लोगे, ये हमें जीवन दे रही है गंगा माँ, ये हम पीते गंगा पानी जीवन, अगर ये ना हो तो हम खत्म है, आज भी अगर एक दिन पानी ना पियो तो आप खत्म है, तो माँ से इस पानी से टैक्स लोगे, माँ से लेंगे टैक्स, तो आपसे लिया जा रहा है, जनता से लिया जा रहा है, माँ गंगा कहाँ चुका रही है, क्या बात कर रहे हैं, जो आपका ये जो है ये बोलते हैं आप कह रहे हैं गंगा जल, गंगा जल जो आप ये गंगा जल है, हाँ। ये गंगा जल क्या मैं बनाऊंगा, ये गंगा जल से, गंगा जल कहाँ से आएगा, इसी ऐसा नदी से आएगा ना, गंगा जल किसको कहते हैं, अमृत किसको कहते हैं, नदी से आएगा, आप मुझे इतना बता दीजिए, भगवान शिव ने विश्व, भगवान विष्णु, भगवान शिव ने शुद्ध गंगा जल पे लगाया गया टैक्स, देखिए देखिए आप बाजार में जाओगे आप शुद्ध, आप हरिद्वार कोई भी व्यक्ति मुझे बता दे, सब हरिद्वार गए भी होंगे, हरिद्वार से जब भी जाते हैं हमारी भावना होती है, ऐसे डिब्बे हम ले जाते हैं, ले जाते हैं ना, तो गंगा जल भरते हैं, और देखिए सुनिए, पर गंगा जल को आप इसमें रखो चाहे महीनों रखो, गंगा जल में कभी कीड़ा नहीं पनपता, याद रखिए इस बात को, आप कितने महीने गंगा जल को रखो डिब्बों में, लेकिन गंगा जल में कभी कीड़ा नहीं पनपता, तो अनमोल है ना, मैं गंगा की बात कर रहा हूँ, आप अनमोल मत करिए, ये गंगा ये जीवन देती है, जो जीवन दे रही जीवन धारा है, ये आपके जीवन की जीवन धारा है, इस जीवन धारा पे आप टैक्स लगाओगे, हमारी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए आप तो मुझे लगता है मोदी जी से मिलके आई हैं, मुझे तो ये लगता है ना, आप तो उन्हीं की बात करती हैं, आप जाके सुनिए, हाँ जी देख सुनिए, हाँ मैं मालिक जी आप हमेशा मोदी को नकारते क्यों हैं, देखिए मैं आपको ये नहीं कह, आप मोदी जी को जाके कहिए, मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कह रहे हैं हम गंगा माँ गंगा ने बुलाया है, मैं गंगा का बेटा हूँ, आप सुनिए, नहीं आप सुनिए मैं बुलात बताता हूँ, लेकिन माँ गंगा सुनिए सुनिए आप सुनिएगा फिर उसके बाद मैं आपका आंसर दूंगा, आपसे पूछ, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, देशवासियों माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं जाऊँगा प्रयागराज इलाहाबाद जाऊँगा सेवा करूँगा, ये माँ गंगा की सेवा के माँ से टैक्स ले रहे हैं, माँ से टैक्स ले रहे हैं, माँ गंगा से टैक्स ले रहे हैं, माँ गंगा ने कितने लोगों को जो देखा कोरोना में पहले और अब के हरिद्वार में फर्क देखा है, नहीं माँ गंगा ने कितने वहाँ कई लोगों का आपने देखा प्रयागराज में कितने लोगों को पनाह दी जो कोरोना में चले गए, माँ गंगा ने किसी का नाम पूछा तुम्हारा नाम क्या है, कोई जाति धर्म पूछी माँ गंगा ने, आप किस जाति से हो किस जाति से नहीं, वो चले गए पूछा किस जाति किस नहीं, माँ गंगा वो सबने पनाह दी, आप उनसे जाके पूछिए मोदी जी आपने माँ गंगा पे टैक्स क्यों लगाया, पूछेंगे आप जाके, पूछेंगे पूछेंगे आप पूछेंगे पूछेंगे जाके, बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन कब तक मुझे लग रहा है समझ नहीं पा रहे ये टैक्स आपकी जेब से जा रहा है, अरे मेरी जेब, मैं ऐसा सुनिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, मुझे बताओ आप गंगा में जाते हो कुछ ना कुछ दाज जल देते हो ना, माँ मांगती है आपसे, आप देते हो ना, माँ ने मांगा आपसे, माँ गंगा ने मांगा आपसे, आप अपनी श्रद्धा से करते हो ना, श्रद्धा से चढ़ाते हो ना, कितने भी हो तो माँ गंगा तो नहीं मांगती ना, वो आपको देती है जीवन, दी है जीवन धारा, याद रखिए ये जीवन धारा है माँ गंगा, याद रखिए को माँ गंगा को जीवन धारा, तो आप मोदी जी के पास जाना, कहना जी गंगा जी पे जो टैक्स लगाया उसको वापस लें, मोदी उत्तराखंड में भी गए हैं आज देखा है कैलाश, तो वही जाके मैं तो कहता हूँ उत्तराखंड वाले लोग यही मांग रखे कि मोदी वहाँ के लोग खुश हो रहे हैं, मोदी की जय जयकार हो रही है, गंगा पे टैक्स पे खुश हो रहे हैं, एक भी व्यक्ति मुझे बता दो इस देश का जो ये कहे कि गंगा जी पे टैक्स लगाया और खुश हो, विकास के लिए पैसों की जरूरत, देश का कोई भी व्यक्ति मुझे बता दे कि माँ गंगा पे अगर टैक्स पे हो खुश हो, मुझे कोई एक व्यक्ति बता देना जो कहे, कोई भी व्यक्ति नहीं जो कहे कि माँ गंगा पे टैक्स लगाया मोदी ने ठीक कहा, बिल्कुल गलत है, अरे इस पे हाथ जोड़ो नमस्कार करो, ये हमें देंगी, ये जीवन धारा है हमारे, एक बात बताइए, मतलब राहुल जी ने बोला है कि आपको कि आज ये गंगा वाला कार्ड खेल दीजिए, देखिए मुझे देखिए राहुल जी ने नहीं कहा मुझे, आप ये उल्टी बातें मत करिए, आशा जी ने बोला, आपने बरगलाने वाली बातें मत करिए, मेरी भावना आहत हुई, मेरी भावना आहत हुई है,
प्रत्येक माँ गंगा पे टैक्स, माँ पे टैक्स लगाया, मैं सो नहीं पाया पूरी रात। यकीन मानिए मैं पूरी रात नहीं सो पाया कि एक माँ जो हमें जीवन, माता श्री राजरानी, पिता श्री चुनीलाल का सुपुत्र गोत्र कश्यप अरुण मलिक, IYC के स्थान पे आपको सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे साथ मेरी गवाही सभी दे रहे हैं, सोशल मीडिया के सभी लोग हैं। माँ गंगे, मुझे बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से बहुत बड़ी भूल हो गई कि माँ गंगा जो ये कहते थे, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं सेवा करूँगा माँ गंगा की, उस माँ के बेटे ने माँ पे टैक्स लगाया है। मुझे बहुत अफसोस है माँ गंगा, मैं क्षमा मांगता हूँ प्रधानमंत्री जी की भूल चूक को माफ़ कीजिएगा माँ गंगा। लेकिन माँ गंगे हमें मालूम है, देखिए हम जन्म होता है तब भी हम 2 या 2.5 किलो का वज़न होता है हमारा। माँ गंगे जब हमारा मृत्यु भी होगी तो हमें जो स्थान मिलता है शमशान भूमि में 6 फुट की जगह होती है, हमें जला दिया जाता है। वो इसलिए कि लोग भ्रम ना करें कि आत्मा अभी जीवित है। वो भगवान कृष्ण ने भी कहा कि जो आत्मा चली जाती है वो अजर अमर होती है, जला के आदमी का विश्वास को ख़त्म किया जाता है कि आदमी जिंदा नहीं है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जब आदमी के फूल चुने जाते हैं तो आप हरिद्वार या किसी भी गंगा में स्थान में कहीं भी जाते हैं तो उसका वजन भी, जो हमारे फूल हैं जैसे जब हम हड्डी हैं उसको फूल बोलते हैं, वो भी 2.5 किलो के होता है। ये कुदरत के नियम है, जन्म भी 2.5 किलो का, मरण भी 2.5 किलो का। और जो कुदरत भगवान देते हैं, गंगा मैया सबको शांति देना, आप जीवन धारा हैं, सबके जीवन की जीवन धारा हैं, सबके पाप पुण्य माफ़ करती हैं, आप सारे पापों को समा लेती हैं अपने इसमें गंगा में, तो सबके पाप माफ़ करना। मैं दुआ करता हूँ किसी पे कोई पाप ना हो, सब इस दुनिया में इस देश में स्वच्छ रहें, सब सुखी रहें, किसी के घर में कोई भी दुख ना हो, जो बच्चे हैं वो भी होनहार हों, सब सुखी हों, परिवार सुखी हों, रोजी रोटी से कोई दुखी ना हो। गंगा मैया मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करना, मेरी प्रार्थना स्वीकार करना गंगा मैया, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की भूल को माफ़ करना गंगा मैया, माफ़ करना जो उन्होंने टैक्स लगाया, माफ़ करना। जय गंगा मैया। ये ड्रामा नज़र आता है आपको, ये गंगा मैया पे टैक्स लगाया 18%, ये आपको ड्रामा है, हैं आप, ये जीवन धारा है। अरे पानी ना हो गंगा मैया ना तो जीवित नहीं रह सकते आप, एक सेकंड के लिए जीवित नहीं रह सकते आप, समझ गए? आप माफ़ी मांगिए गंगा मैया से, आपको बता रहा हूँ मैं, ये बातें मत करिए आप। कहते हैं तकदीर के पन्ने खाली हैं, भरे हैं हाथ लकीरों से। किसी की तकदीर पे कुछ भी क्या हो, कोई कुछ नहीं कह सकता। किसी तकदीर क्या, जिनके हाथ नहीं होते उनकी तकदीर नहीं होती क्या? जिनके हाथ नहीं होते आप ये कहना चाह रहे हैं कि राम तेरी गंगा महंगी हो गई, राम तेरी गंगा महली होगी, बिल्कुल ठीक है, महली हो गई, महंगी हो गई, महंगी कर दी इन्होंने, महंगी राम तेरी गंगा महंगी कर दी। घाट आजकल चमके हुए हैं जब से मोदी राज है, मोदी राज है, घाटों की सफाई देखी है कैसे है? पहले थे क्या कांग्रेस के काल में? तभी वो गए हैं, कभी गंगा जी गए हैं आपने? आशा जी वो घाट देखा आपने प्रयागराज का, कितनी लाशें कोरोना में जा रही थी, मोदी जी वहाँ गए, कोरोना में तो हर जगह वो देख के प्राकृतिक एक त्रासदी थी। अरे एक किसी के लिए एक अगरबत्ती भी वहाँ जलाई, किसी लिए एक धूप भी जलाया वहाँ पे मोदी जी ने, बताइए मुझे, बताइए आप किसके लिए धूप जला रहे हैं? हम तो गंगा पे, गंगा माँ माफ करना, ये टैक्स लगा रहे देश के प्रधान सेवक, माँ गंगा पे बेटे ने माँ पे टैक्स लगाया, ये है। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।